इसके पिट्ठे में पथरी था, कहीं डॉक्टर से पहले करवाया था ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा हुआ था वो भी, तो यानी कि उसको पिट्टा नहीं मिला था। मेरे घर वाली अभी ठीक है, खा पी रही है, चल फिर रही है। नमस्ते, मेरा नाम सीधीराम है, मैं नेपाल से रहने वाला हूँ और ये मेरा घर वाली है। इसके पिट्ठे में पथरी था, तो कहीं डॉक्टर से पहले करवाया था ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा हुआ था वो भी, तो यानी कि उसको पिट्टा नहीं मिला था, किया था सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम आए, किसी ने हमारे को बोले हैं कि डॉक्टर अमित सूद के पास चले जाइए। अमित सूद के पास तो मिले थे हम, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि हो जाएगा आपका मतलब ऑपरेशन पित्ते का, तो दूरबीन द्वारा, ये भी दूरबीन द्वारा ही किए थे पहले, या तो रेफ़र किए थे वहाँ लुधियाना पे, लुधियाना में जाने के लिए बोल रहे थे, तो लुधियाना में हम नहीं गए, तो डॉक्टर अमित सूद के पास आए, तो उन्होंने यानी कि हमको प्रॉपरली पूरा बढ़िया से दूरबीन द्वारा कर दिए थे। मेरे घर वाली अभी ठीक है, खा पी रही है, चल फिर रही है अच्छी तरह से। यहाँ का डॉक्टर साहब, जो यहाँ के स्टाफ भी हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, मतलब इधर उधर करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी पंजाब वासियों को या दूसरे नेपाल वासियों को भी, कि एक बार डॉक्टर अमित सूद के पास आइएगा, मिलिएगा उनको, मोटापे की और पथरी की हर किसी तरह की बीमारी को भी इलाज करते हैं यहाँ पर, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन भी किया जाता है मोटापे का भी। और यहाँ पे पंजाब पे एक इनका बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, तो जैसे कि हम जैसों के लिए, जैसे कि चंडीगढ़, लुधियाना या और कहीं दिल्ली जा नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पंजाब पे सेंटर बन रहा है, तो हमारे लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। और प्लीज़ हम, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार डॉक्टर अमित सूद को मिल के आप सलाह ले सकते हैं।